Guys, this is Divya, your host for this channel. This is a reaction video. And you all know I'm very pissed off through my community post. आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा हुआ होगा कि मेरा मूड बहुत अपसेट हुआ है एक वीडियो देख करके एंड उसी बारे में बात करना चाहती हूँ. सो आई एम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात करने वाली हूँ आज इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी की, क्योंकि आज इन्होंने मचाई है बहुत बड़ी भसड़. और भसड़ मचाई जब इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलके, तो मुझे कौन सा गाना याद आया होगा, आप लोग खुद सोच लो कौन सा. ये वाला देख तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी. तो ये वाला गाना मुझे याद आ गया. वीडियो देखा मैंने और मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये जो डब्बा बनाते हैं, आई एम सॉरी, खाना बनाते हैं बहुत अच्छा, ये तो बकवास भी बड़ी अच्छी करते हैं यार. सीरियसली, इन्होंने IIT से पढ़ाई की थी घर में खाना बनाने के लिए. चलो ठीक है ठीक है, नहीं नहीं हम सीरियस ले लेंगे, ये पढ़े लिखे हैं. तो हुआ ये कि इनको किसी ने, जैसा कि इन्होंने बोला, किसी ने मुझे कमेंट कर दिया, कमेंट में इन्हें किसी ने नल्ला बोल दिया. क्यों करते हो आप लोग ऐसा? मेरे सब्सक्राइबर नहीं करते मुझे पता है, लेकिन जिसने भी किया, क्यों किया, क्यों बोला नल्ला, अच्छी बात नहीं है. आप ये गाना गा देते इनके लिए यार, ये चार लाइन डेडिकेट कर देते इनके लिए आप. भैया गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. पर आप लोग ऐसा नहीं करते हो, आप लोग कमेंट कर देते हो. तो इन्होंने ये बात कही कि मैं कभी, इन्होंने पहले जो इनका पहला पॉइंट था, कहाँ से इन्होंने इनके कहाँ से इन्होंने ये टॉपिक निकाला मैं बताती हूँ. बात करते करते पहले हंसते हंसते इन्होंने पब्लिक को बहुत जब्बार पकाया. जी हाँ, जब्बार पकाया, ऐसा वैसा ये वो, सेल्फ प्रेज एंड ऑल. उसके बाद ये आ गए किस पर, मुझे कमेंट में किसी ने लोअर मिडिल क्लास बोला. हाउ डेयर यू, आई वॉज नेवर नेवर इन माई लाइफ एवर अ लोअर मिडिल क्लास. ये कभी लोअर मिडिल क्लास नहीं थे. आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों बोलते हैं आप लोग ऐसा, क्यों बोला आप लोगों ने इनको लोअर मिडिल क्लास. चलिए खैर कोई बात नहीं. फिर वहाँ पे इन्होंने हंसी, वहाँ पे इनकी निकल गई हंसी. इन्हें ये सुन के हंसी आई कि लोअर मिडिल क्लास इनको बोला. तो क्या लोअर मिडिल क्लास वाले इंसान नहीं होते, जानवर होते हैं, या वो उठने बैठने लायक नहीं होते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, तो फिर आपके विचार तो गरीबों के बारे में और भी ऊंचे होंगे, है ना. आई गेस इसीलिए आपकी वाइफ आए दिन एक वीडियो बना देती हैं कि मेरी मेड मुझे छोड़ के चली गई, उधर भी कंटेंट खोज लेती हैं, कितना भारी कंटेंट है. इसके बाद इन्होंने बोला कि मैंने पढ़ाई की है IIT से और मेरी इंग्लिश नहीं अच्छी है, तो क्या हो गया. तो मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि इनकी इंग्लिश कचरा है तो क्या हो गया. कोई बात नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है कि जिसकी इंग्लिश कचरा हो या जिसकी इंग्लिश ख़राब हो वो मेहनत नहीं कर सकता, वो पैसे नहीं कमा सकता. मैंने पैसे कमाए हैं, मैंने गाड़ी खरीदी है, और वो मैंने YouTube के पैसे से नहीं कमाई, खरीदी. चलो ठीक है, हमें जानने की ज़रूरत नहीं है आपने गाड़ी खरीदी, सोना खरीदा, हीरा मोती क्या खरीदा. वी आर लीस्ट बॉदर्ड, वाई आर यू टेलिंग ऑल दीज अननेसेसरी थिंग्स टू अस. बट बात वहाँ पे बिगड़ी जहाँ पे इन्होंने ये बोला कि एक सेल्स गर्ल की भी तो इंग्लिश मुझसे बहुत अच्छी होती है, तो क्या वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमा सकती है. आपने कभी ये सोचा कि एक सेल्स गर्ल जो होती है, जो दिन भर एक जगह खड़ी रहती है, उसकी लॉयल्टी सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ होती है, उसकी लॉयल्टी एक कंपनी के साथ होती है. वो जो प्रोडक्ट बेच रही होती है, चाहे वो गाड़ी हो या वो कोई कॉस्मेटिक हो या कुछ भी हो, वो वे टेस्टर्स होते हैं, उसके पास प्रूफ होते हैं. अगर गाड़ी बेच रही है, दे हैव अ कार, स्पेयर कार, जो आपको कार खरीदनी है आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हो. दे हैव लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर कंपनी. वट अबाउट योर वाइफ, आई सी हर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ कमर्शियल्स एंड लॉट ऑफ PRs, promotions, saying कि ये ले लो अच्छा है, वो मुंह पे लगा लो अच्छा है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, blah blah blah.
सस्ते प्रोडक्ट 100, 200, 150, 300, और जो सेल्स गर्ल की आप बात कर रहे हो ना, आई डोंट थिंक सो कि 50 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हुए, 100, 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हुए मैंने किसी भी सेल्स गर्ल को देखा है। बेचती होंगी, बट मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे इतने सस्ते प्रोडक्ट्स बेचते हुए मैंने किसी भी सेल्स गर्ल को नहीं देखा। तो जो आप लोग सेल करते हो, वो जब आपकी वाइफ सेल करती हैं, वो प्रोडक्ट्स का नाम नहीं ले पाती हैं, और वो जो चीज़ें एक्सफोलिएशन नहीं बोल पाती, रिजुविनेट नहीं बोल पाती हैं, ये सारी चीज़ों की जब तांग तोड़ मरोड़ देती हैं, तो फिर से मुझे यही गाना याद आ जाता है। ये देखिए, आप सुनिए कितना फिट होता है आप लोग के ऊपर। ये भी कह रहा है कि फिट होता है। उसके बाद आपकी सेल्स गर्ल, तो मैंने जैसे कि बोला कि एक ही प्रोडक्ट बेचती है, इनकी वाइफ अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स अपने किचन में क्या बन रहा है वो बेच देती हैं, घर पे सफाई हो गई कि नहीं वो बेच देती हैं, अपनी प्राइवेट लाइफ, मतलब प्राइवेट लाइफ मतलब सास बात नहीं कर रही है मुझसे, वो मुझे इग्नोर कर रही हैं, मुझे मेरी सास जा नहीं रही हैं, उनको 3 बार फ़ोन आ चुका है, ये सारी चीज़ें भी वो बेच देती हैं। तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उन्हें, वो सेल्स गर्ल नहीं है? अरे उनसे बड़ा कोई सेल्स लेडी नहीं है पूरे यूट्यूब पे, मुझे तो लगता है। एक है, एक है लखनऊ वाली दीदू, एक है, आऊंगी उनके ऊपर भी बहुत जल्दी, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, ये घिया दीदू के लिए आएगा मेरा वीडियो, ठीक है। इस बीच में अपडेट भी दे दिया। हाँ, तो आपकी बीवी की लॉयल्टी कौन से प्रोडक्ट के साथ है, कौन से प्रोडक्ट के साथ है? किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं। तो इन्होंने, इनकी बीवी की लॉयल्टी किसी के भी साथ नहीं है। और रही बात की इंग्लिश बोलने से ये नहीं होता, इंग्लिश बोलने से वो नहीं होता, आप अपनी बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, आप अपनी बेटी को इंटरनेशनल स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों एक नॉर्मल स्कूल में उसको नहीं डाला, क्या आप उसको सेल्स गर्ल बनाना चाहते हो? ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी यार। फिर वो बोलेगी हाय मैम, मे आई हेल्प यू, है ना, यही कराने के लिए आप बना रहे हो क्या? क्योंकि अगर आप उसके पापा हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती लेकिन आपने IIT कर लिया, तो वो उसके अंदर जीन्स तो आप ही है ना, वो भी कर लेगी, आपने क्यों डाल दिया उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में? निकाल दीजिए, मैं बोल रही हूँ अभी निकाल दीजिए, बहुत स्कूल्स हैं वहाँ पे नॉर्मल, जहाँ पे हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है वहाँ डाल दीजिए, क्लासेस भी तो लगाते हैं आप लोग ऑनलाइन, उसकी टीचर बात करती है ना उससे इंग्लिश में, वो भी बेच चुकी है आपकी वाइफ, हमें वो भी पता है। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इतनी गाली देते हैं, तो 4 बार सोच लिया करिए। यूट्यूब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब की कोडिंग इंग्लिश में हुई है, यूट्यूब अमेरिका में बना है, अमेरिकन हिंदी नहीं बोलते, और जिन्होंने बनाया है उन्होंने पूरी कोडिंग, पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में लिखा है। तो जब आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं जिसको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बनाया गया है, वहाँ के लोगों ने बनाया है, या वहाँ पे जो इंडियंस होंगे उन्होंने बनाया है, बट उसकी कोडिंग इंग्लिश में हुई है, आप लोग यहाँ पे बैठ करके, इस यूट्यूब पे बैठ करके जब आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, बड़ी बड़ी बातें, और एक्सक्यूज़ देते हो, ना कि आप अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करो, बल्कि आप लोग देते हो एक्सक्यूज़ कि अगर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आनी ज़रूरी नहीं है, नहीं है, मेरी तो हिंदी भी आप लोग से अच्छी है, लेकिन अगर किसी ने सीखा है, अगर किसी के अंदर टैलेंट है, अगर कोई फ्लुएंसी के साथ बोल रहा है, अगर किसी के माँ बाप ने उसको अच्छे स्कूल में आपसे पहले पढ़ा दिया और आपको नहीं पढ़ाया गया, जिसके कारण आज आपकी इंग्लिश इतनी ख़राब है, तो आप लोग उसको गाली देंगे? कल को ये आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। आपकी बेटी को आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है, कल को कोई उससे बहुत कम इंटेलेक्ट वाला, बहुत ही खराब इंग्लिश वाला उसका मजाक उड़ा सकता है। ये बोल के, तू जो इंग्लिश बोलती है तो सेल्स गर्ल भी बोलती होगी, है ना, तब आपको कैसा लगेगा? बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऑलवेज रिमेंबर दिस, अंडरस्टूड? और आप कहते हैं आप बड़े पढ़े लिखे हैं, ऐसा आपने क्लेम किया कि आप बड़े पढ़े लिखे हैं, आप IIT में, आपकी सैलरी अच्छी थी, ये अच्छा था, वो अच्छा था, तो आपने जॉब क्यों छोड़ी? और अगर, चलो छोड़ दी, अगर छोड़ भी दी
तो आपसे किसने मांगा था ये क्लैरिफिकेशन? जस्ट बिकॉज वन नेगेटिव कमेंट केम एंड आई एम प्रीटी श्योर कि उसके ऊपर टीपी भी नहीं होएगी। आप ऐसे एक अननोन आईडी से आए हुए कमेंट के लिए आपने इतना बड़ा वीडियो बना के सारे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एक ही लैंग्वेज में एक ही तराजू पे तौल दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको आपने आईआईटी बोला ना, आईआईटी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो एक आईआईटीयन को ये तो पता होगा डिक और डिस्क के बीच का फर्क क्या होता है, राइट? आप कहते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। आपकी वाइफ ने बहुत ही क्लियरली रिपीटेडली बोला था आई हैव मल्टीपल हार्ड डिस्क, आई हैव ब्रांडेड हार्ड डिस्क। उन्होंने ये वर्ड 3 से 4 बार बोला था। जब आपको कोई एक फीडबैक दे कि आपको अगर नहीं आती तो मत बोलो, या आप इतने पढ़े लिखे हो तो इम्प्रूव कर लो, तो वो करना चाहिए, ना कि बैठ के इस तरह लड़ना चाहिए। क्योंकि क्योंकि आपकी वाइफ ने खुद को, अब मैं हिंदी का वर्ड यूज़ करूँगी, बुरा मत मानना, हिजड़ा बोला, हिजड़ा बोला, छक्का बोला, आई डोंट नो, बट डिक। तो अब मैं ये बोलूंगी कि आपकी वाइफ ने जो बोला कि मेरे पास हार्ड डिस्क है, उसका मतलब ये होता है कि वो शीमेल है, राइट? शी कॉल्ड हरसेल्फ शीमेल, शी डिक्लेयर्ड इट ऑन यूट्यूब, दैट वीडियो इज स्टिल ऑन हर चैनल, इट्स स्टिल ऑन हर चैनल। तो जब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, आई हैड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइज, क्योंकि 5 या 6 लोगों की सैलरी जाती है क्योंकि आपने उन लोगों को रखा हुआ है। बट आज तो पता चला कि आपने उन सबको हटा दिया है, आप लोग सिर्फ रेंट भर रहे हैं दुकान का। उधर भी शो ऑफ था कि हम रेंट भर रहे हैं, कौन जाने कि रेंट भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो, बट एनी वेज विल टेक इट एज यू से, वी ट्रस्ट यू कि आप रेंट भर रहे होगे। लेकिन उन लोगों को भी दिखा नहीं कि मैडम क्या बोल रही हैं, आपको भी नहीं दिखा कि मैडम क्या बोल रही हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई आपने की आईआईटी से, आप एक, आप और एक और है, मतलब आईआईटी का नाक कटा के ही तुम लोग दम लोगे यार। ऐसे लोग भी जाते हैं आईआईटी में, बहुत ही, मतलब आप लोगों के लैंग्वेज और आप लोगों की जो बातें होती है ना, सुन के खून खौलता है। आप लोग नाक कटा रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की। आईआईटी से पढ़ाई गौरव तनेजा ने भी की है, सिंटेन आज बात करूंगी गौरव तनेजा की, कि उसकी लैंग्वेज देख लो और अपनी लैंग्वेज देख लो। अगर उसको कुछ समझाना भी होता है तो उसकी लैंग्वेज देखो, अपनी लैंग्वेज देखो। वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट था। जब उसने एक प्लेन क्रैश पूरा एक्सप्लेन किया था तो पता चल रहा था कि हाँ, पढ़ा लिखा बंदा है, आईआईटी से पढ़ा है। तुम लोगों की तरह बैठ के तुम हुए और वो एक छोटू हुआ और एक वो दूसरा झेंगुर का हस्बैंड हुआ, तुम लोगों को देखने के बाद मुझे यही गाना याद आता है फिर से एक बार। पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो मैं यही बोलूंगी कि जो तुम लोग इस तरह से अपनी लाइफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो, उसके बाद बोलते हो कि कोई ओपिनियन ना दे, कोई रिएक्शन ना दे, नहीं, वो आएगा। When you say something on social media, you have to be very careful. आप किसी भी जॉब को डाउनग्रेड नहीं कर सकते जबकि आपकी बीवी खुद वो जॉब कर रही है। आप किसी लैंग्वेज को इस तरह से बुरा नहीं बोल सकते जबकि आपकी बेटी खुद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है? और अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो और थोड़ी सी गैरत बची है ना, तो अपनी वाइफ को बोलो कि आपकी जो मम्मी है उनके बारे में नेगेटिव टाइटल्स डाल के अपने आप को अंदर सती सावित्री और बहुत अच्छी बहू प्रूफ करना बंद कर दे, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड एज आई सेड, तो वो लौट के आएंगी। एक सर्कल में ही चलता है सब कुछ, आप जो दोगे वही लौट के आएगा आपके पास। इन्हें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगी जो मैंने नोटिस की है इनके चैनल पर। मैंने ये नोटिस किया है कि ये गाली तो कभी नहीं देती हैं, ये एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करती हैं। तो बहुत हार्ड, इनके लिए बहुत ही हार्ड वर्क वही है कि वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं, गाली नहीं देती हैं, रेज नहीं दिखाती हैं अपने चैनल पर। लेकिन लेकिन ध्यान देना, आप लोग ध्यान देना, जब इन्हें चाहिए कि इनके सब्सक्राइबर को गाली पड़े, ये अम्मा के पास जाके बोलती हैं हाय बोलो, और उसके बाद तो जैसी जैसी गालियां निकलती हैं, मैं यूपी की हूँ, मुझे समझ में आती है, यूपी के हैं सब समझते हैं।
और बोलेंगी और उसको भी ये एडिट नहीं करती हैं, ये बोलती हैं अम्मा की बात को ना इग्नोर कर देना। क्यों कर दे इग्नोर, आप किसी बूढ़े इंसान का मजाक उड़ा रहे हो सोशल मीडिया पे, आप वो भी बेच रहे हो। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू एंड शेम ऑन योर हस्बैंड फॉर हैविंग सच एन अगली थॉट प्रोसेस, जहाँ पे आप लोगों को बॉडी शेम भी करते हो। इन्होंने किसी को बॉडी शेम भी किया है, चलो ठीक है, जिसको बॉडी शेम किया है उधर से जवाब आपको आएगा, मुंह तोड़ आएगा आई एम प्रीटी श्योर, बट जो आपके सोच समझ और गंदगी जो आप लोग दिखाते हो, आपके पास कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। आप लोगों को सब्सक्राइबर्स मिले हैं क्योंकि जियो ने फ्री डेटा 3 महीने के लिए दिया था और उस टाइम पे बड़े यूट्यूबर्स बड़े बन गए थे, ठीक है। तो आप लोग ये बोलना छोड़ दो कि हम तो कभी लोअर मिडिल क्लास थे नहीं, और जितने भी इनके लोअर मिडिल क्लास के सब्सक्राइबर हैं, अगर थोड़ी सी शर्म है आपके अंदर, थोड़ी सी आपके अंदर दिमाग है, आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, इनको देखना छोड़ दो, क्योंकि इनके लिए लोअर मिडिल क्लास एक जोक है। दूसरा, जिसके पास BMW के लेवल की कार नहीं है, जिसके पास मैक का कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास एप्पल का वॉच नहीं है, जिसने IIT से पढ़ाई नहीं की है, वो सब इनको देखना छोड़ दो, अगर तुम लोगों के अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो। और अगर तुम लोग घटिया प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, इनके घटिया एडवाइस मानना चाहते हो, कई बार इनकी वाइफ ऐसी एडवाइस देती हैं जिसमें प्रोफेशनल एडवाइस रिक्वायर्ड होती है, जिसमें प्रोफेशनल की एडवाइस रिक्वायर्ड होती है, ये ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती हैं जो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन इन्हें कोई लेना देना नहीं होता उससे। कल को इन्हें एक प्रेगनेंसी किट आ जाएगी, ये एक हफ्ते के अंदर प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं, स्पेसिफिकली ये नहीं। सो यू ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल, दीज व्लॉगर्स आर हियर जस्ट टू चीट यू, जस्ट टू चीट यू। और आप अगर कुछ बोलोगे या इनकी पोल खोलोगे तो ये बोलेंगे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर ये आ जाते हैं अपने असलियत पे, अपने असली लेवल पे, और इसीलिए इनके लिए बना है ये गाना, सुन के ही जाना। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, आई होप मैंने कुछ मिस ना किया हो। मैं देख रही हूँ ये हार्डवर्क करते हैं, इनका हार्डवर्क सिर्फ यही है कि कैमरा एक्शन लाइट एंड फिर उसके बाद सड़ी हुई एडिटिंग के साथ व्लॉग अपलोड। इन्हें नहीं पता कि मेहनत करने वाले 10-10 घंटा 11-11 घंटा अपने परिवार से दूर रहते हैं, हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, हड्डी तोड़ ट्रैवल करते हैं, उसके बाद उन्हें पैसा मिलता है। ये इनकी जो मेहनत है ना, इन्होंने अगर सच में की होती तो ये इनके मुंह से कभी नहीं निकलता। एडिटिंग फॉर मी इज अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर, राइट? ओनली इफ आई डू कॉमेडी वीडियोस, वहाँ पे मुझे 2-3 घंटे भी नहीं यार, 2-2.5 घंटे लगते हैं, ठीक है। पर ये जो एडिटिंग करते हैं, उस एडिटिंग को मैं विद इन 30 मिनट्स कर सकती हूँ। सो हार्ड वर्क का ड्रामा मत बताना, ये सजना सवरना, ये लीपा पोती करके उसको धोना पोछना, इज ऑल अ गेम ऑफ डॉलर्स। सो जितने भी अकलमंद लोग हैं, ऐसे लोगों को मत देखो, वरना ये ऐसे ही गंध परोसते रहेंगे। और तुम आदमियों से मैं कहूँगी, ये जो 2 IITians हैं और वो छोटू है, कि अपने लिमिट में रहना तुम लोग, औरतों के मैटर में घुस के कीड़ा कांड मत करो, वरना ये गाना तुम लोग के लिए और भी चैनल्स पे बज सकता है, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, कोशिश करूंगी कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना के डालूं व्हेन आई विल गेट रेडी फॉर करवा चौथ पूजा। और ये देखो मेरी मेहंदी काली हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग नए वीडियो के साथ। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर। इन लोगों को फॉलो मत करना, ये बिना मास्क के घूमने वाले गंदे लोग हैं, ये किसी दिन ऐसे 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 गिरेंगे रोड पे, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है। सो बी केयरफुल गाइस, सो टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय, एंड विश ऑल द लेडीज अ वेरी हैप्पी करवा चौथ, टेक केयर, बाय।